तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपको एकदम बहुत यूनिक तरीके से मतलब आएगा, आपके मोबाइल का इतना अच्छा लुक बदल देगा कि आप बोलोगे कि वाह पहले क्यों नहीं मिला। तो ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप पहली बार आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, तो यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक कर दें। तो वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, आपको ये ऐप बेहद पसंद आएगी। और आप कि दोस्त भी पूछे कि यार कैसे किया, तो आप वीडियो लास्ट तक देखना तभी आपके समझ में आएगा। तो गेट स्टार्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा परमिशन देना पड़ेगा, तो ग्रांट पर क्लिक करिए। जैसे ही ग्रांट पर क्लिक करेंगे तो अलाउ कर दीजिए अपने मोबाइल में, जहाँ ये ऐप है वहाँ से अलाउ करिए। जब आप अलाउ कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं, आपके ये मोबाइल का लुक जो है एकदम बदल देगा, और एकदम आप जल्दी जल्दी आप काम करने लगे। तो एक बार इसे देखिए ये कैसा। तो देखिए टर्न ऑन साइड बार, तो इस पर जैसे मैं इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए साइड थ्री पैनल इधर टर्न ऑन हो गया। जैसे ये ऑन हो गया है तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा नीचे आए, तो इसे अभी रहने दीजिए। मैं अब आपको बैक आ जाता हूँ। जैसे मैं बैक आ जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ से आपको ये थोड़ा सा ये तीन डॉट दिख रहे होंगे, तो तीन डॉट को आपको क्लिक कर देना तीन डॉट पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए कितना अच्छा लुक नज़र। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, तो कस्टमाइज़ करने के लिए आप फिर उसी ऐप पर आ जाइए। मैं आ जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर ऐप हो गया, फेवरेट ऐप हो गया, फेवरेट कॉन्टेंट हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ऐप बैकग्राउंड, मतलब आप यहाँ पर आइकन सेटिंग आप कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ऐप पर जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से आपके मोबाइल पर जितने सारे ऐप हैं सभी ऐप की यहाँ लिस्ट आ जाएगी। अब आपको सेलेक्ट करना कि कौन कौन सा ऐप आपको चाहिए। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी कोई सा भी ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से मतलब आप जो आपको जो पसंद आए, मतलब आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उस ऐप को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर कॉन्टेंट, तो यहाँ पर आपको तो आप जब ऐप सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर है आप फेवरेट कॉन्टैक्ट। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर प्लस के आइकन का क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर मतलब आपको जो कॉन्टैक्ट आप बार बार लगाते हो तो आप यहाँ से आप प्लस के आइकन क्लिक करके यहाँ से आप चुन सकते हो। जैसे मैं आधार कार्ड टोल फ्री पर क्लिक कर लिया तो बस आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड, मतलब आप बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हो मतलब इन्हीं ऐपों का, तो आप यहाँ से अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो घटा बढ़ा के। इसके बाद यहाँ पर ऐप बैकग्राउंड, मतलब इस ऐप का बैकग्राउंड आपको नहीं अच्छा लग रहा तो यहाँ से आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हो, चुन सकते हो। इसके बाद आइकन सेटिंग, आइकन सेटिंग ये है कि ये जो यहाँ पर थ्री डॉट दिख रही ना, ये वाली थ्री डॉट, इसका आप आइकन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने अनुसार कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जैसे अब मैं आपको बाहर आके आपके अब मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं थ्री डॉट लाइन पर इस पर मैंने अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए कितना अच्छा लुक नज़र आएगा। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने ये कॉन्टेक्ट वाली लाइन हो गई, यहाँ पर मेरा ऐप नहीं जा रहा तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये कंटेंट वाली लाइन हो गई, ये ऐप हो गई, यहाँ से आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो। आपको मतलब जो फेवरेट हो, आप सबसे ज़्यादा व्हाट्सअप यूट्यूब आप जैसे यूज करते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, तो आप तुरंत आ जाओगे। यहाँ से आप फेवरेट कंटेंट जिसको आप बार बार फ़ोन लगाते हो तो यहाँ से आप यहाँ पर ऐड करें। यहाँ पर आप ये शॉर्टकट है, जैसे आपको वाईफाई ऑन करना, ब्लूटूथ, यहाँ से आप एरोप्लेन मोड में डालना, डाटा चालू करना, तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा लुक नज़र आ रहा है फ्रेंड। ऐसे आपको जैसे किसी ऐप पर जाना है तो आपको गैलरी नहीं, यहाँ पर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ है ऐप कहाँ नहीं है, बस आपको इस पर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है। आपका जो फेवरेट ऐप होगा तो यहाँ से आप तुरंत गैलरी पे चले जाओगे, तुरंत क्रोम पर चले, तुरंत यूट्यूब पर चले जाओगे, मतलब आप यहाँ से अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ऐप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें और सारे फीचर हैं तो मैं सही बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड। इसके बाद आप ये तो अभी तो ऊपर वाला ऑन था इसलिए इतना ऐसा नज़र आया। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे इसे ऑन करोगे तो ये देखिए जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया तो ऊपर वाला ऑफ होगा, मतलब आप एक समय में आप एक ही को ऑन कर सकते थे। जैसे मैंने नीचे वाला ऑन कर दिया तो आप देखिए कैसा लुक नज़र आएगा। जैसे थ्री डॉट लाइन पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए अब यहाँ से आप ऐप ऐड करके आप इतने सारे ऐप इसमें ऐड कर सकते हो, और स्क्रॉल करोगे तो आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप इसमें मतलब ऐप आते रहेंगे। तो ये अच्छा लुक नज़र आ रहा है फ्रेंड, आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा ऐप ज़्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा ऐप कम पसंद आ रही। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप थ्री डॉट लाइन पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए
ऐसे नज़र आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी चौंका सकते हो फ्रेंड, ये आपके बहुत काम आएगी अगर आप थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बार करते हो तो आप यहाँ से तुरंत उस ऐप में पहुँच जाओगे, थोड़ा सा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भी कमेंट करना हो कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।